हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सिंटेक्स वर्ल्ड में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्डप्रेस की न्यू सीरीज, जिसमें हम देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस पे हम किस तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वर्डप्रेस को सेटअप करना पड़ेगा। वर्डप्रेस को सेटअप करने से पहले उसको डाउनलोड करना बहुत जरूरी है हमें। तो वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए हमें वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, लिखना है wordpress.org डाउनलोड, और वर्डप्रेस की साइट पे जाना है, क्लिक करना है यहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस न्यू लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। ठीक है, साथ ही साथ हमें एक सर्वर की भी रिक्वायरमेंट होने वाली है, जिसका नाम क्या है, ज़ैम्प जो है वो हमारे सिस्टम के अंदर ही एक वर्चुअल सर्वर क्रिएट कर देता है। इसको ज़ैम्प को डाउनलोड करने के लिए हमें कहाँ पे जाना है, गूगल पे लिखना है XAMPP डाउनलोड। अपाचे फ्रेंड्स की आपको वेबसाइट मिलेगी, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ज़ैम्प सर्वर इंस्टॉल कर लेना है। ओके, विंडोज है तो विंडोज के लिए डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो, लिनक्स और मैक के लिए भी डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम विंडो पे वर्क कर रहे हैं तो विंडो के लिए इस पे क्लिक करना है और जो इसका लेटेस्ट वर्जन होगा इसे आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, क्लिक करना है, देन यहाँ से काउंटडाउन स्टार्ट होने के बाद में ऑटोमेटिक जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? ओके ओके, तो फाइनली जो है हमारा वर्डप्रेस भी डाउनलोड हो गया है, ज़ैम्प सर्वर भी हमारा डाउनलोड हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज़ैम्प सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं, है ना। ज़ैम्प सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए डबल क्लिक यहाँ पे किया मैंने ज़ैम्प सर्वर के ऊपर, यस, और ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपसे सेलेक्ट फोल्डर करवा रहा है पाथ, कि आपको जैम सर्वर को किस फोल्डर में कहाँ पे इंस्टॉल करवाना है। तो आप चाहते हो कि अगर ई ड्राइव में इंस्टॉल करना है तो ई ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हो, सी ड्राइव में इंस्टॉल करना है सी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं बेसिकली जो है सी ड्राइव में इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट इंग्लिश, नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल इज स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारा जो जैम सर्वर है वो इंस्टॉल हो जाता है। फिनिश करके इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब जैम सर्वर इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, जो कि जैम का कंट्रोल पैनल होता है। यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें स्टार्ट करना है अपाचे को और MySQL को। ठीक है, ओके, और यहां से आपको SQL को अलाउ करना है, अलाउ करके वापस स्टार्ट पे क्लिक करना है। जब तक आपका MySQL स्टार्ट नहीं होगा तब तक आपका वर्डप्रेस का कोई भी प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज करा देता हूँ। देन अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया था उसे देखना है। वो हमें कहाँ मिलेगा, वो देखना पड़ेगा डाउनलोड के अंदर। डाउनलोड में हमारा वर्डप्रेस है, इसको कॉपी करना है हमें। कॉपी करने के बाद सी ड्राइव के अंदर हमने जैम सर्वर को इंस्टॉल किया था तो उसी जैम के अंदर जाना है। देन यहाँ पे हमें मिलेगा STDOC नाम का एक फोल्डर, इस फोल्डर को हमें ओपन करना है। इसके अंदर हमें वर्डप्रेस को पेस्ट कर देना है लाके। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट की एक फोल्डर बना लेना है, जो जो भी प्रोजेक्ट हमारा रहने वाला है। जैसे हम इसका रख देते हैं नाम न्यू न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो न्यू प्रोजेक्ट नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है और वर्डप्रेस को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑल एक्सट्रैक्ट। ओके, तो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारी फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अब वर्डप्रेस वाले फोल्डर को ओपन करना है और वर्डप्रेस के अंदर के जितने भी हमारा कंटेंट है इसे कॉपी करना है, और कॉपी करके जो हमने फोल्डर बनाया था न्यू प्रोजेक्ट नाम से, इसके अंदर जाके इसे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ओके, यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। पेस्ट होने के बाद हमें कहाँ पे जाना है, ब्राउजर पे जाना है वापस से, और यहाँ पे ब्राउजर के अंदर सर्च इंजन में हमें क्या लिखना है, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश, और फोल्डर का नाम क्या था हमारा, न्यू प्रोजेक्ट, देन इंटर। ओके, तो ये इंटर होने के बाद जो हमने फोल्डर बनाया है ये क्या होगा, हमें ब्राउजर पे यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमें ये लैंग्वेज सेलेक्ट कराने के लिए आया है तो इंग्लिश पे ही हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू। ओके, तो
तो हमें अब इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या चीजें मांग रहा है वर्डप्रेस हमसे, कि डेटाबेस हमारे पास होना चाहिए, डेटाबेस नेम होना चाहिए, डेटाबेस का पासवर्ड होना चाहिए, होस्ट होना चाहिए, और टेबल प्रीफिक्स हमें पता होना चाहिए क्या रखना है। ओके, तो डेटाबेस नेम हमें कहाँ से मिलेगा, इसके लिए भी हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, इसके सी पैनल पे। तो लोकल पे सी पैनल हमें मिलेगा लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश php माई एडमिन admin, एंटर। ओके, तो ये क्या है हमारा, ये सी पैनल है। ऐसा ही हमें लाइव सर्वर पे भी मिलता है, बिल्कुल सेम डिटो होता है। यहाँ पे हमें डेटाबेस दिख रहा है, डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे हमें डेटाबेस का नाम देना है, डेटाबेस का नाम हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी पहली क्लास का नाम, जैसे हमारे फोल्डर का नाम न्यू प्रोजेक्ट है, तो मैं इसका नाम भी न्यू प्रोजेक्ट ही रख देता हूँ, न्यू अंडरस्कोर PROJECT। ओके, तो सेम नाम हमें चाहिए, तो इस वजह से मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, क्रिएट। ओके, डेटाबेस नेम के अंदर लाके पेस्ट कर दिया। यूजर नेम जो है हमारा डिफॉल्ट रूट रहेगा लोकल पे, पासवर्ड हमारा ब्लैंक होता है। ओके, डेटाबेस होस्ट अगर हम लोकल पे वर्क कर रहे हैं तो लोकल होस्ट रहेगा। ओके, टेबल प्रीफिक्स हमें यहाँ पे क्या रखना है, ये जो डेटाबेस के अंदर हमारी टेबल बनती है ये उसके आय का होता है, इसको हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसे WP है WP रख सकते हैं, अगर MP रखना है, कुछ भी रखना है वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूंगा ये टेबल प्रीफिक्स हमें कहाँ पे शो होगी, सबमिट करना है। ओके, रन द इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल किया मैंने, यहाँ पे हमें अपनी वेबसाइट का टाइटल देना है, वेबसाइट का टाइटल हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे अभी मैंने रखा माई न्यू प्रोजेक्ट PRO। ओके, यूजर नेम ये भी हम कुछ भी रख सकते हैं, ये बेसिकली वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसके अंदर लॉगिन करने के लिए मांग रहा है। ठीक है, तो एडमिन पासवर्ड भी मैं एडमिन ही रख देता हूँ। ओके, यहाँ पे हमें कंफर्म वीक पासवर्ड पे क्लिक करना है। योर ईमेल भी हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे demo@gmail.com रख देता हूँ। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमारी, ये अंदर से हम जाके चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सर्च इंजन विजिबिलिटी है बेसिकली, अगर आपको अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं कराना है, सर्च इंजन पे नहीं लेके जाना है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। अगर रैंक कराना है, SEO करना है, तो फिर आपको अनचेक करके छोड़ना पड़ेगा। ओके, इसके बाद हमें इंस्टॉल करना है यहाँ पे वर्डप्रेस को। ओके, तो वर्डप्रेस जो हमारा वो अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम लॉगिन करके देखते हैं। यहाँ पे लॉगिन, यूजर नेम डाला था हमने एडमिन, पासवर्ड भी डाला था हमने एडमिन। ओके, लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, वर्डप्रेस जो हमारा प्रॉपर तरीके से ये क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं हमारी वेबसाइट हमें कैसी मिली है। ओके, वर्डप्रेस ने हमें इस तरीके की एक वेबसाइट, या फिर इसको थीम हम बोल सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट हमें बना के दिया है यहाँ पे। क्लियर है? ओके,